राजस्थान में विधानसभा चुनाव में बिगुल बजने के साथ ही सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारना शुरू कर दिया है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अब तक दो दो सूचियां जारी कर चुके हैं। भाजपा की दो सूचियों में 124 नाम तय हुए, जबकि कांग्रेस ने अब तक 76 नामों की ही घोषणा की है। हालांकि कांग्रेस की पहली सूची काफी लंबे इंतजार के बाद आई, लेकिन भाजपा ने प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के साथ ही अपनी पहली सूची जारी कर दी थी। वहीं कांग्रेस ने 13 दिन के बाद 21 अक्टूबर को पहली सूची जारी की, वो भी सिर्फ 33 नामों। हालांकि इसके अगले ही दिन कांग्रेस ने फिर से 44 नामों की एक और सूची जारी कर दी थी। वहीं गोविंद सिंह डोडासरा के घर में ईडी की रेड की कार्रवाई के बीच कांग्रेस अपनी तीसरी सूची जारी कर सकती है। दरअसल कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि शाम तक राजस्थान के लिए एक सूची और जारी की जा सकती है, जिसमें 20 से 22 नाम हो सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि लगातार छोटी सूची जारी करना इन चुनावों में कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है, ताकि यदि किसी सूची को लेकर विवाद हो तो वह ज्यादा बड़ा नजर नहीं आए। बता दें, कांग्रेस राजस्थान में अपने प्रत्याशियों का ऐलान करने के लिए करीब 5 से 6 सूची जारी करेगी और इसमें अंतिम सूची सबसे बड़ी हो सकती है। हालांकि भाजपा ने कांग्रेस से पहले और ज्यादा अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, ताकि उन्हें प्रचार के लिए ज्यादा समय मिल जाए और यदि कहीं विरोध हो तो डैमेज कंट्रोल भी समय रहते कर लिया जाए। लेकिन कांग्रेस की रणनीति इससे अलग है। कांग्रेस अपने ज्यादातर टिकट रिपीट कर रही है, इसमें विधायक और विधायक प्रत्याशी दोनों शामिल हैं। ये सभी पिछले 5 साल से अपनी अपनी विधानसभाओं में वैसे ही सक्रिय रहे हैं, इसलिए कम समय में भी ये चुनाव के लिए तैयारी कर सकते हैं। वहीं कांग्रेस ने सूचियां जारी करने से ठीक पहले बड़ी घोषणाएं और सभाओं की रणनीति भी तैयार की है, ताकि जब प्रत्याशी घोषित हो तो उनके पास जनता को बताने के लिए कुछ हो। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।